गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अभी दोस्तों पुनीत सर गए हैं इटावा, तो उनको हम छोड़ करके आ रहे हैं। उनकी ट्रेन छूट गई थी, रिजर्वेशन था, तो रिजर्वेशन का पैसा भी खराब मतलब बर्बाद हो गया। तो अभी हैं प्रशांत भाई के यहाँ पे और हम प्रशांत भाई के साथ जा रहे हैं सोलोन। वैसे प्रशांत जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पता नहीं बाल स्ट्रेट होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर हो जाते होंगे तो वहाँ करवाएंगे, नहीं तो फिर हमारी सैलून दूसरी जगह है, इनका वहाँ पे करवा के फिर वहाँ चलना है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप आओ राघो, यू भी कहा तो अभी आ गए हैं प्रशांत के सैलून पे। ये देखो पीछे प्रशांत अंदर है, कटिंग करवा रहे हैं और अभी इनका यहाँ पे योग आधा घंटा लगेगा, इसके बाद हम फिर अपने सैलून पे चलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हेयर स्ट्रेट होते नहीं है इसीलिए। चमक गए बेटा तुम तो, हैवी ड्राइवर हो गए तुम तो। एक बार स्माइल दो जरा, ये मजा आ गई भाई, मजा आ गई। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं अभी अपने सैलून पे और बहुत मुद्दतों के बाद भैया मान गए, कहते हैं ठीक है हम तुम्हारी स्ट्रेट कर देंगे और स्मूथ भी कर देंगे। हालांकि पहली बार करा रहे हैं, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। भैया भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं देखिए आप ये और देखते हैं भाई तुम्हारा ये हीरो अब स्ट्रेट करने के बाद में कैसा लगता है। वैसे अभी तो भाई बड़ा अजीब लग रहे हैं लेकिन स्ट्रेट देख लेते हैं। तुम्हारी बात अलग है। लो भैया करो फटाफट करो, भैया प्रोजेक्ट। अरे बिल्कुल पास है, फिर दिखेंगे नहीं। अब तुम्हारा फेस लिया जब तीन बार वो किया है तो है? अरे फ्रेंड्स, हेयर ट्रीटमेंट हो चुका है, देख रहे हो कुछ ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, बाल फील नहीं रहे हैं। अभी इतनी गीले हैं तो सूखेंगे तो सही आ जाएंगे, लेकिन देख सकते हो पहले से कितने ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रेट हो गए हैं। तो भैया थोड़ा सा आप कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन हमें लगता है ज़्यादा डिसकंट्रोल हो गए, कंट्रोल तो पहले रहते थे। एंड बताइए कैसे कि आप पहले से सूखेंगे, तो हो गया सारा काम यहाँ का। अभी नहा के धो सकते हैं ना, अभी बालों को बालों को जरूर बालों को सुना नहा लेना, तो बाल लगाना ठीक है। तो अभी आए हुए हैं हम इधर विजयनगर के आसपास, तो विजयनगर पे खड़े हैं, मतलब यहाँ पे पेट्रोल पंप है डबल पुलिया इसको बोलते हैं, और अभी जाना है मुझे कल्याणपुर। तो एक यहाँ पे रवि भाई हमारे से साथ में काम करते हैं, उनकी कोई रिलेटिव जो हैं तो उनसे मिलने के लिए जाना है, तो वहीं जा रहे हैं।
तो रूम से निकल करके तैयार होकर के वहाँ का क्लिप बनाना भूल गए, अभी यहाँ से स्टार्ट किया है और आगे का दिखाते हैं आपको। सो फैंस, अभी हम बैठे हैं पार्क में। ये कौन सा लोकेशन है? केशवाट, हाँ केशवपुरम है ये। केशवाट का है पार्क और ये केशवपुरम में पड़ता है। और हमारे साथ में अभी हैं रवि भाई और मिस काजल मैम। हालांकि बहुत ही समझाया है, अभी भी समझ में नहीं आया है काजल मैम को क्यों, क्योंकि बोलने करनी नेटवर्किंग है, लेकिन अभी नहीं एक साल की बात करेंगे, मतलब कि अच्छा काम करना वो भी मुहूर्त निकाल करके। सो कोई बात नहीं, समझ लें, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। लेकिन बहुत अच्छा लगा है इन दोनों लोगों से मिल करके, और रवि भाई ने काजल मैम को मिलवाया है क्योंकि ये कठिन है। और देखो अगर हो सकेगा तो साथ में काम करने के लिए इच्छुक हो जाएंगी। और फर्स्ट टाइम पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रही हैं, काजल मैम के लिए सब्सक्राइब कर देना एक बार और लाइक कर देना। और मीटिंग हो चुकी है यहाँ की, बस खत्म होने वाली है, यहाँ से निकलते हैं फिर सीधे घर के लिए। बाय बाय, निकालो अपनी बुलेट। भाई नंबर का है यार, पता सिस्टम ही वाला बंद हुआ, कंपनी की तरफ से बंद हुआ सिस्टम। अभी फैंस हम लोग हैं काकाजो में और यहाँ पे चल रही है मैगी रवि भाई के साथ में। रवि भाई ने कहा चलो आपको सर मैगी और चाय, यहाँ बदनाम दुकान है, चाय पिलाते हैं और मैगी। मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं आपके साथ भी क्या मैगी का एक्सपीरियंस रहता है। वैसे काफ़ी अच्छी मैगी बनी है, मैगी भी खाना आ जाइए। मस्त भाई,